साथियों, हम करंट मैटर विरहा गायक रमेश यादव और अपनी पार्टी की ओर से एक और विरहा, हृदय विदारक विरहा एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के माध्यम से आपके बीच में विरहा प्रस्तुत बा। जौन अभी आप लोग न्यूज पर पेपर में पढ़ रहल बानी, देख रहल बानी, सुन रहल बानी, जिस घटना का चर्चा जोरों पर है, जो हाथरस सत्संग में जो इतनी भयावह हादसा हुआ, जिसमें 100 से अधिक जिंदगियां जो हंसते हंसते लोग मौत के मुंह में समा गए, आइए विरहा के माध्यम से ये पूरी कहानी प्रस्तुत है। जरा गौर करेंगे, कभी नहीं चार लाइन भूमिका प्रभाव लिखा है, जरा लाइन पर गौर करेंगे। खेल भक्ति का गया चमत्कार का, हाँ आडंबर सा दिखता गुरु मंत्र है, एक तरस को तरस भक्त भगवान से, मुग्ध व्याकुल विवशता का यह तंत्र है। जब सभी सदगुरु खुद ही भगवान हैं, क्यों चमत्कार उस पल नया ताई ने, भक्त इनके फंसे काल के गाल जब, अब न क्यों वह गुरु मैं बचाता भक्त इनके फंसे काल के गाल जब, तब न क्यों वह गुरु है बचाता इन्हें। आज पूरा देश अंधविश्वास के तरफ टूट पड़ल है। इससे पहले तो पहले के लोग थे जो अंधविश्वास पर इतना भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज के परिवेश में लोग शिक्षित तो होकर के भी और अंधविश्वास में अपने आप को ढकेल रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन विरहा के अंदर एक गजल का अंदाज लगल है मास्टर। कि जिंदगी एक कि जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना, लोग भरोसा कर रहे हैं, पाखंडवाद हावी है। मैं उन पाखंडवादियों से और उनके प्रति जिनके अंदर यह श्रद्धा जगी हुई है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्या कौन है वह जो किस्मत बदल दे, कौन है वह बदल दे,
जाल से कौन किसको बचाए। हाय भ्रमित भक्त ही भावना में, हाय भ्रमित भक्त ही भावना में, खुद का हर बन खुद ही पे हटाए। हाय भ्रमित भक्त ही भावना में, खुद का हर बन खुद ही पे हटाए। हाय मैं उन पाखंडवादियों से कहना चाहता हूं जो चमत्कारी बाबा बने हुए हैं, क्यों लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो? अगर है तुम्हारे पास इतना ही शक्ति तो किसी के मौत को क्यों नहीं टाल देते? तब तो हम समझे कि आप चमत्कारी हो। टोटल केवल ये झूठ है और छलावा है। यहीं से कहानी की शुरुआत लगल मास्टर। कहानी हाथ रस के दुख ने हृदय चीर दिया, कहानी हाथ रस के दुख ने हृदय चीर दिया, देखना सका ऐसी विचलित सी तस्वीर किया। लाखों भीड़ जुटी, लाखों भीड़ जुटी सतगुरु के सत्संग में, दरस पाने गुरु की भक्ति भरे अंग अंग में। ओर में हुआ जब भक्तर है, चरण छूने की ओर में हुआ जब भक्तर है, सैकड़ों लोग मरे हादसा यह भीषण है। कहां वह अब गए चमत्कार जो बताते थे, लाखों भक्तों की जो भीड़ को जुटाते थे। कई उजड़ गए परिवार साथ छूट गया, कई उजड़ गए परिवार साथ छूट गया, सहज ही जिंदगी जीवन से नाता टूट गया। परिवार बाबा साकर का अनुयायी है, एक परिवार बाबा साकार का अनुयायी है, उसको क्या पता मौत खुद वहां बुलाई है। हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव फूल रही मुगलगढ़ ही में एक नारायण सकार हरि महाराज उर्फ भोले बाबा, जिनका जलवा है, चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। वह भोले बाबा
साचों में चमत्कारी हूं। ए भैया, पेपर के माध्यम से अभी यह भी खबर मिली कि वह चमत्कारी बाबा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कार्यरत रहे और वहां से इन्होंने रिजाइन दे दिया और इसके बाद यही लोगों को मूर्ख बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके और सत्संग करने लगे। उनके सत्संग का इतना चर्चा बढ़ल कि लोग ये सोचे लगलन कि भगवान को बुझाता कि दूसरे रूप हूं। अच्छा तो प्रदीप कबीर जी जो वहर को मेहरारू रहली अगल बगल साए फूस बतियाव कि देखबू हो हाँ। हाँ। बाबा जवन हो हाँ। साकार बाबा उर्फ भोले बाबा हाँ। बुझाता कि साचो में भोलेनाथ हूँ हाँ। उनका चरण धैला के बाद कुल दुखवे दूर हो जाता। धीरे धीरे इतना चर्चा हो गई कि जहाँ भी भोले बाबा अपन सत्संग करें तो बहुत सारी भीड़ जुट जाती थी। बाबू ए भैया, यही बीच ना 2 जुलाई 2024 को वही हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव फूल रही मुगलगढ़ी में नारायण साकार महाराज जी का सत्संग का कार्यक्रम लगा था। कोने कोने से लोग और रिजर्व साधन करके और हर्षोल्लास के साथ में कि चलना है बाबा का सत्संग सुनना है, चरण के धूल माथे लगावे के जिससे जिंदगी संवर जाए। लेकिन उसी में एक परिवार जो आगरा शहर के मेहरौली के लोग रहने वाले थे, नाम था मेहताब सिंह, जिनके धर्म पत्नी का नाम नीलम सिंह बताया गया, एक बिटिया जिसका नाम शोभा बताया गया। सुनलस की हाथरस में बाबा का बहुत बड़ा कार्यक्रम लगल बा, यूट्यूब के माध्यम से बड़ा सुनली तो कहे न चल के सामने से दर्शन कर ले, कुल बलहिए दूर हो जाए। ए भैया, वही तैयारी करके और अपना सैया जी से वो नीलम कह रहल बा तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। नीलम दुलहिन अपना स्वामी जी से कहतिया क्या कहे, सत्संग बाथ रस में दिलवा में आशा लगले, संगात रस में दिलवा में आशा लगले, बाबा के दर्शन खातिर बड़ा अरमान जगले, बाबा के दर्शन खातिर बड़ा अरमान जगले, बाबा के दर्शन खातिर बड़ा अरमान जगले। तैयारी हो गई सब लोग जाता तब कबीर जी लिखलन, नीलम में अंताबू सिंह के प्यारी दुलहिया, संग में चाहे खेती तक कैली बीती में हाथ करे चल जाई सत्संग अगले, चल जाई सत्संग अगले,
जाने की जिद कर दी वह नीलम, तो साथ में शोभा बिटिया भी कहलस की ए मम्मी तू जात हो ना तो हम हूँ चलब अब बाबा का चरण के धूल माथे लगाई दर्शन करब। बाहरे आस्था बाहरे अंधभक्त बाहरे अंधविश्वास, लेकिन मेहताब सिंह मना कर रहा है कि नहीं इस बार नहीं चलना है, हम भी आ जाएंगे छुट्टी। इसके बाद बाबा का तो कहीं ना कहीं सत्संग हर समय चलते हैं, कहीं से कि बड़ा चमत्कारी बाबा हूँ, चक्रधारी बाबा हूँ, तो कहीं अगले बेर सत्संग लगी तो साथे साथे चल जाई। लेकिन जिद कर गई तो मेहताब सिंह कहलन कि अगर ठीक बा ना माना तरु तो जा, लेकिन जइहा आ दर्शन कई के चली अइहा। अब दिखाए हा पास पड़ोस को लोग चलन है, साथ में नीलम बिटिया शोभा भी चलिन है, तो दर्द लगल मास्टर। तैयारी हो गई, काम गाड़ी सत्संग के जंप चल भैली हो, संग में बिटिया नीलम साथ चढ़ गई हो, संग में बिटिया नीलम साथ चढ़ गई हो। गाड़ी सत्संग के जंप चल भैली हो, संग में बिटिया नीलम साथ चढ़ गई हो। नीलम के मनवा बना गल दर्शनवा में, दर्शनवा में पहुंची गाड़ी सत्संग भवनवा में, पहुंची गाड़ी सत्संग भवनवा में, भीड़ उमड़ल बाला को अस्थनवा में, भीड़ उमड़ल बाला को असथना। सत्संग जहां होखे के बा ओय स्थल पर लोग पहुंचल ह, दूर दराज से लोग आइल बा, कुछ प्रशासन के लोग भी हैं, मंच वगैरह अच्छा ढंग से लगा है और बहुत ज्यादा भीड़ लोग इधर उधर टहल रहे हैं। अब बाबा का आवे के तैयारी बा, लोगन अपन आंख से लोग रास्ता निहार रहल बा कि बाबा कब अइहन। भोले बाबा नाम के गुरु बाबा आई गई, सत्संग खूब कहिए, आसन लगल बा बाबा बैठल न, लोग एकदम सन्नाटा सब तरफ छागल बा कि बाबा कौन वचन बताइए, कौन सत्संग सुनिए है, आ कुछ लोग परेशान बा कि कब उनके पैरवा का धूल मिल जाए, बड़ा दुख में जिंदगी कटत है, अब बाबा को धूल लगा ले तो हमार दुख कुल भाग जाए। अरे मैं ऐसे अंधभक्तों से अंधविश्वास करने वालों लोगों से कहना चाहता हूँ, क्यों पखंडियों के चक्कर में पड़े हो, अगर किसी के चरण की धूल माथे लगाना है तो अपने माता पिता के चरण कि धूल माथे पर लगा लो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिंदगी सवर जाएगी। बाबा अपन
वह कुल सत्संग सुनावत हो लोग वही में लीन है, मार गुरी आवत हो वही में। लेकिन आगे का भाई भोले बाबा नाम के गुरु बाबा तप कैले चमत्कारी बाबा सत्संग खूब कैले धूल पावे खातिर गिरा सब चरणवा में चरणवा में। अब देखा है मूर्खपना अरे माई बाबू खटिया पर चिल्ला तू के बेटा ए बेटी एक लोटा पानी मिल जाए केहू देवे के तैयार नहीं बाबू है माई बाबू जो 9 महीना पेट में ढोलन आ तो के सयान कैलन तो माई बाबू का ख्याल ना बा केवल पाखंड का ख्याल ह। धूल पावे खातिर गिरा सब चरणवा में चरणवा में भीड़ भैली सफराय सब संगवा में भीड़ भैली सफराय सब संगवा में भयल भगदड़ हाहाकार मचल छनवा में भयल भगदड़ हाहाकार मचल छनवा भयल भगदड़हा। बाबा अपन सत्संग सुना देहलन समय खत्म हो गईल। अब जब बाबा चललन हा तो बाबा एगो इहो सत्संगवा में लास्ट में कहलन कि हमारे भक्त जनों जिनके कानों तक हमारी आवाज आ रही है जो हमारे अनुयायी हैं जो हमको चाहने वाले लोग हैं पजरे से दर्शन तो ना मिल पौलस लेकिन जेके पजरे से दर्शन ना मिल पौलस तो जौने रास्ते हम जाई जौन हमार पैर का धूल अगर वहू के उठा के माथे लगा लेबा तो तुहार सत्संग में आवल सफल हो जाई। अब कितना कहल जाए कि चलाक हो के बुर्बक हो। अब देखाए है बाबा जैसे निकलन आ लोग जौन है उ चरण का धूल माने लोग निहार ताकि बाबा का पैर कहाँ कहाँ पड़ल हो जहाँ जहाँ पड़ल बा जे आगे बा जाए के छपा के दे सोचता कि मथवे लगा लें के उन्हें उड़ के मथवे लगावता आ तब इतने में भीड़ बेकाबू अब सब ही चरण का धूल पावे बदे चल दहलस आ जब चलल तो वहाँ भगदड़ हो गई। प्रशासन की कमी थी प्रशासन के लोग रोक नहीं पाए। ए बाबू जैसे लोग चरण की धूल को माथे लगाने चाहते हैं इधर से बिकाबू भीड़ और चल पड़ती है प्रशासन के लोग रोकना चाहते हैं लेकिन इतना ज्यादा भीड़ बा एक पर एक एक पर एक लोग भरा गिरल बा ए बाबू और उसी में लोग दबते गए जो लोग दब गए उठने का कोई नाम नहीं लिया न तो कोई वहां उठाने वाला था। अब हम किसका दोष दें लोग सत्संग में गई बा दूसरे की चिंता केहू के नहीं बा जे जहां दबलो वही दबल बा। इसके बाद हाहाकार मच गया लोग अपने अपने लोगों को खोजना शुरू कर दिए। इसके बाद न्यूज के लोग वहां पहुंचे और न्यूज चलाने लगे प्रशासन के लोग और भारी मात्रा में वहां पहुंचे लोगों का खोजबीन शुरू हुआ एम्बुलेंस मंगाई गई और लोगों को वहां से एम्बुलेंस में लाद करके और हॉस्पिटल भेजवा रहे हैं लोग। लेकिन कबीर जी टेरी में बड़ी सुंदर लाइन लिखना है कि भक्ति पर कि भक्ति पर काल के भारी पड़ गया रे भक्ति पर काल भारी हो भक्ति पर काल में भारी पड़ गया सत्संग में भीड़ बढ़ी चढ़ लोग के मारी अरे वो मारी अरे वो मारी। सत्संग में भीड़ बढ़ी चढ़ लोग के मारी भक्ति पर काल है भारी पड़ गया। ए भैया ओ समय
सब लोग अपने बचाव कार्य में लगल बा, अपने लोगन के लोग ढूंढ रहल बा, वहां की सीन क्या है कवि ने अपने कलम से वर्णन किया है कैसे। भक्ति की भावना लिए सत्संग पहुंचा हर कोई, भक्ति की भावना लिए सत्संग पहुंचा हर कोई, चरणों की धूल पाने बेखौफ दौड़ा हर कोई। जो गिर गए गिरते गए, जो गिर गए गिरते गए, एक एक पर चढ़ते गए, आवाज दब के रह गई तब सांस दब के रह गई, बेमौत मारे सब गए, बेमौत मारे सब गए, जो दब गए मरते गए। वहां का मंजर इतना भयावह था, लाशों का ढेर लग चुका था, जो लोग बचाव कार्य के लिए गए वहां उनकी भी हिम्मत गवाही नहीं दे रही थी। यही नहीं, पेपर के माध्यम से ये हमें मालूम चला कि एक रवि कुमार नाम का कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी लगी थी, बड़ी मेहनत किया उन्होंने, लाशों को उठा उठा करके लोगों की मदद से और एम्बुलेंस में ला करके हॉस्पिटल भिजवा रहा था, लेकिन अंजाम यह निकला, इतनी लाशों का ढेर देख करके वह घबराहट में हो गया, उसको भी हार्ट अटैक आया, उपचार हुआ, लेकिन वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। बाहर मालिक क्या है लीला, आपकी लीला तो परम पार है, लेकिन वही में जो वह नीलम सिंह अपने बिटिया के साथ गई इसी श्रद्धा से कि बाबा का दर्शन करो, लेकिन उसका पता नहीं है, वह बिटिया शोभा इधर उधर दौड़ के और खोज रही है कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई, खोज रही है, लेकिन वह नीलम बाबा के चरण का धूल पाने के लिए वह भी दौड़ लगाई थी, खोजती है नहीं मिलत बा, तो नीलम रो रो करके लोगों से कहे, का कहे मास्टर, कि भैया लोगन हो कि भैया लोगन हो, अरे मम्मी के कमरे बेटा ना खोजवाए, भैया लोगन हो के सबई ढूंढे सबके जे जैसे बतलावे, इधर उधर देख रही है, कुछ लोग बचाव कार्य में लगे हैं, कुछ लोग अपने लोगों की पहचान कर रहे हैं, उसी में शोभा भी पकड़ करके लोगों को कहती है कि भैया हमारे मम्मी का ऐसा ना शकल सूरत ऐसा ना कपड़ा पहन ले ही, अगर देख ले होगा तो हमारे मम्मी से मिला दा, रो के कहे मिल के सबई ढूंढे सबके जे जैसे बतलावे, नीलम कलश ना मिलन बजवाई भैया लोगन हो, मम्मी है बालास से लिपटल जाए, भैया लोगन हो।
आके अपनी मम्मी से लिपट जाती है। लेकिन वहाँ जो लोग लगे हैं लाश को एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल गए, साथ में वह शोभा हॉस्पिटल भी जाती है। लेकिन वहाँ का मंजर इतना भयावह, जब न्यूज पर लाइव चल रहा था, जो लोग टीवी मोबाइल में देख रहे थे, निगाहें नहीं हट रही थी, लोगों के आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज वह सत्संग सैकड़ों लोगों का काल बन गया। कवि ने पहपत में भाव लिखा है, अस्पताल पहुंचाव हो, मरे हुए लोगन के अब तक कैसे केहू बचाव हो। सौ से ज्यादा गए काल के काल माल कोई का जानी, हाथ रस का धरती भैली अलाल काल कोई का जानी। ए भैया, लोग हॉस्पिटल पहुंचावत हुवन और जो उनके परिजन है भाग करके लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे, वहां डॉक्टरों की टीम लगी है, जिनकी सांसें चल रही है उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, आईसीयू में ले जा करके लोग एडमिट करते हैं, दवा उपचार हो रहा है। लेकिन जो लाशें थी, जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, अनाउंस हुआ, उनके परिजन पहुंचे, पोस्टमार्टम का वही कार्य चल रहा है। वही इधर हमारे देश के नेता अपनी अपनी और मरे हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कबीर जी आल्हा से भाव लिखलन हा, वो नीलम के परिवार का हालत का, किया फन मरल का केहू के, किया फन मरल का केहू के नाही सही जाता बाबू, आपन आपन खोज जे जिया खुशी पाई। नीलम के लाश देखी रोम में ताप सिंह, रोकली न मनलू गैलू छोड़ी के पलाई। ए बाबू, सबकर दुख तो दुख है, जब पोस्टमार्टम होने के बाद नीलम की लाश को उनके परिजनों को लोग सौंपते हैं, वही उनके पति देव मेहताब सिंह एक बार जैसे अपनी पत्नी का लोग चेहरा देख ले, ए बाबू, वही आंखों से आंसू चल पड़ा, रो रो करके मेहताब सिंह कह रहे, कह रहे, नीलम अगर हमार बात मान गैल हो तू तो शायद ये दिन हमें नहीं देखे के मिलल हो, हम तो के कहली ना पगली। अब वही बहुत सत्संग देखे के मिली, लेकिन बात नहीं मल्लू ना, आज हमसे दूर हो गईलू, लेकिन होगा वही जो मंजूरी खुदा होगा। आज लोगों की अंगुली उठ रही है, वह जो चमत्कारी बाबा है आखिर गया कहां, भाव हो जवन गुरु बाबा चमत कार्य खूब देखावत रहला है, घटना देख छुपी गई नहीं पतन नहीं बाई। अंधभक्ति में
भारी भीड़ जमन रहल लोगों का उंगलियां भी उठने लगी कि सारा दोष उस चमत्कारी बाबा का है, न तो ऐसा वह ढोंग रचाया होता, न तो इतने लोगों की जिंदगियां इस दुनिया को अलविदा कहती। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद महोदय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश में सरकार है, आखिर वहां जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो क्या फोर्स की कमी थी? प्रशासन के लोगों को वहां फोर्स बुलवानी चाहिए थी। अगर फोर्स भारी मात्रा में होती तो शायद यह घटना नहीं होती। ऐसा भी पेपर में हमें पढ़ने को मिला, एम्बुलेंस की भी कमी पड़ गई, कुछ लोगों की जाने तो ऑक्सीजन के लिए चली गई। लेकिन इधर जो वर्तमान में सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गहरा दुख जताया, कुछ मुआवजा का ऐलान भी हुआ, लेकिन वो मुआवजा से लोगों की भरपाई न हो पाई। लेकिन ये बिरहवा के माध्यम से जो लोग सुन रहल बा, सबसे हमारे को निवेदन बा कि आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ी। अंधविश्वास में आप लोग पड़बा तो देखला कितना भयावह मंजर जो अभी तत्काल घटना घटी है हाथरस में। लेकिन खड़ी में भाव लिखे के पड़ल मास्टर, जब तक ढोंगी अपने के भगवान के यहाँ चमत्कार कर भ्रम में लोगवन का जान जई हैं, जब तक ढोंग रही पाखंड रही, यही तरह जिंदगी मौत के मुंह में समात रही। ए लिए लोगन के हमार सजेशन बा, भक्ति आप लोग करा, अंध भक्ति मत करा। वही प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से मेरा एक निवेदन है, क्या है? अरे चमत्कार देखा जे भी अहो खा कार्यवाही, साधु सदगुरु खातिर भी कानून के सख्त चाहिए। जरा संत तबे भगवान नहीं इंसान रही है, चमत्कार के भ्रम में लोग अपन कब जान जाई है। और हम उस हादसे में मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में मालिक उच्च स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करे। जो लोग जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। लास्ट लाइन लिखने के पड़े, गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर जीव शिव धारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर सिंह फुलवारी, करो भक्ति पर काल है भारी पड़ गया, यादव प्रदीप रमेशन